देखो जब वर्गांतर समावेशी है तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। जब हम लोग समांतर माध्य निकाल रहे थे तो वहां पे हमें कोई बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन माध्यिका और बहुलक में हमें इसको बदलना पड़ेगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है और समांतर माध्य में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसको हमें जब ये समावेशी है तो हमें इसको पहले अपवर्जी बनाना पड़ेगा। अपवर्जी बनाने के लिए यही जो आपकी सबसे निचली सीमा है, लोअर लिमिट है, उसको आप दो से भाग कर दो, आ जाएगा 0.5। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.5, और उस 0.5 को इसमें से घटा दो, लोअर में से निचले वाले से घटा दो और अपर वाले में जोड़ते चले जाओ। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, एक में से 0.5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0.5 एक में से 0.5 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0.5, और 0.5 10 में 0.5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10.5, और इसमें इसमें घटेगा ना, निचले वाली सीमा से घटाना है और ऊपर वाली सीमा में जोड़ना है, तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा, और घटा देंगे 11 में से 0.5 तो हो जाएगा 10.5, और इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20.5, फिर इसमें भी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20.5, और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30.5, इसमें भी वही करेंगे उतना ही 0.5, और ये 40.5, ये कितना हो जाएगा 40.5 से कितना हो जाएगा 50.5। ठीक है, ये हमारा वर्गांतर बन गया, बाकी प्रक्रियाएं सब वही हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सीएफ निकालेंगे, 4 हो गया, 12, 16, 18, 34 हो जाएगा, और 10 कितना हो गया 44, और 8, 52। ठीक है, आप फिर इसके बाद क्या करेंगे, एम निकाल लेंगे, एम इक्वल टू एन अपॉन टू कितना हो गया 52/2 इक्वल टू 26, 26। अब 26 देखो किसमें है, 16 में है कि 34 में, 34 में है, तो हमारा वर्गांतर यही डिसाइड हो गया। ठीक है, अब ये डिसाइड हो गया तो हमारा सब इसमें, चलो L1 से लिख लो, आपकी सूत्र लगा लो, M इक्वल टू L1 प्लस I बटे L M माइनस C। ठीक है, बराबर कितना आ गया, L1 हमारा 20.5 प्लस I कितना है 10 है, बटे F कितना है 18, और M माइनस C कितना हो गया 26-16 बराबर 20.5 × 10/18, 26 में 16 गया 10 बराबर 20.5 × 10/100/18 बराबर 20.5 × 100 में भाग कर दो 18 का, 100 भागे 18, 18 × 36, 18×5 90, 5 बार जा रहा है ना, 10.5 × 0 18×5 90, 5.55 बराबर कितना हो गया 20.5, और ये 6 कितना हो गया टोटल 26 हो गया। ठीक है,